पूर्वी दिल्ली के नगर निगम स्वामी दयानंद अस्पताल में पैरामेडिकल स्टाफ और क्लास सी डी के कर्मचारियों ने अपनी जायज मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। यह धरना प्रदर्शन हॉस्पिटल एम्प्लॉइज यूनियन की तरफ से किया गया। यूनियन के प्रेसिडेंट दिनेश गिरी का कहना है कि 3 महीने से सैलरी न मिलने की वजह से चतुर्थ क्लास कर्मचारियों और पैरामेडिकल स्टाफ को मुश्किलों से दिन गुजारने पड़ रहे हैं। और वो वेतन अपना कैसी से वेतन का है, बकाया जो राशि अपनी वो हमें नहीं मिलती, समय से नहीं मिलती, कई साल से हम उसकी मांग करते हैं। वो तो आपका बहुत धन्यवाद करते हैं। मैं अपनी तरफ से अपने सब समस्त कर्मचारी तरफ से कि आपने हमारे संकट घड़ी में आप आए और आपने हमारे आवाज़ उठाने का मतलब वो लिया, तो हम आपके लिए धन्यवाद करते हैं। तो यही है साफ मुद्दा हमारा कि हमें सर हमें क्या वो है, हमें क्या वेतन चाहिए, बस काम कर रहे हैं तो वेतन दो। हमारा क्या डिमांड है, समय पर सैलरी नहीं मिलती, बच्चों के स्कूल की फीस नहीं जाती, यानी राशन का घर का राशन हो गया, दूध हो गया और बहुत सी चीज़ें जरूरत की चीज़ें हैं। अगर वेतन नहीं मिलेगा साहब तो हम क्या करेंगे, हमें रोड पर आना पड़ेगा। और अभी सर कुछ नहीं है, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, या तो ये सरकार चेंज जाए, क्योंकि ये मूक और बहरी सरकार है। अगर नीचे दिन सर 18 तारीख से हमने निर्णय ले लिया गया हमारे सेंटर कमेटी की तरफ से, फिर हम ऐसा वो करेंगे जिसमें सबको दिक्कत होगी, मरीजों को भी होगी, जो हम नहीं चाहते। मैं अतुल मुदगल यहाँ पे एक्सरे विभाग में एक्सरे टेक्नीशियन हूँ। और आपको वैसे तो ज्ञात है कि हमें पिछले 3 माह से वेतन नहीं मिल रहा। अब हम घर पे जाते हैं तो सबसे पहले तो एक ही सवाल होता है धर्मपत्नी का और बच्चों का कि पापा ये काम रुके हैं, पापा वो काम रुके हुए हैं। सिंगल हैंड अर्निंग, एक ही कमाने वाले अगर हैं तो आप वास्तव में, अगर आपको 2 महीने का वेतन किसी को भी ना मिले और एक ही कमाई करने वाला हो तो उसके ऊपर क्या बीतेगी। हमारे रिश्तेदारों ने हमारे फ़ोन उठाने बंद कर दिए हैं कि कहीं पैसे ना मांग लें, हीन भावना से देखने लगे पड़ोसी, और इनके कानों पे बिल्कुल भी जू नहीं रेंग रही। वैसे तो हम सबको अखबारों में, मीडिया में कि हम कोरोना योद्धा हैं, कर्मवीर हैं, कोरोना के वो हैं, सब लोग घरों में थे, सिर्फ हमारा हॉस्पिटल स्टाफ चतुर्थ श्रेणी से लेकर और डॉक्टर्स तक, बीच में हम टेक्नीशियन पैरामेडिकल स्टाफ चतुर्थ श्रेणी के हमारी बहनें भाई वो कोरोना, हमारी एक बहन भी मरी कमलेश भी कोरोना के काल में, उनकी मृत्यु भी हुई है कोरोना के उसमें। हम काहे के कोरोना योद्धा हैं, हमारे ऊपर ऐसे अत्याचार, ऐसा अनर्थ ऐसा कर रहे हैं, क्या इस कठोर दिल वाले सब बड़े उच्च अधिकारी बैठे हुए हमारी तरफ बिल्कुल भी रहम नहीं खा रहे। 6 साल से हम लोग परेशान हैं बहुत, 2014 से फंड क्राइसिस हमारा लगातार चल रहा है, वो वेतन रुक रुक के देते रहते हैं ये, लेकिन एरियर्स वगैरह तो हमारे 2014 से पेंडिंग है, और 7th CPC जो हमारा लगा था, 7वां पे कमीशन, उसका एरियर्स भी हमें अभी तक नहीं मिला, और वेतन हमारा रुक रुक के आता है। जैसे 3 महीने बाद एक वेतन दे देंगे, 2 महीने बाद फिर एक वेतन दे देंगे, फिर हम हड़ताल पे बैठेंगे, फिर वेतन दे देते हैं, फिर हड़ताल होती है, फिर यही चल रहा है। और कोरोना की वजह से तो हम इतने परेशान हैं, कोरोना में हमने इतना काम किया है कि GTB हमारा कोरोना हॉस्पिटल हो गया था, उसकी सारी भीड़ हमारे स्वामी दयानंद हॉस्पिटल में आई है, सारे पेशेंट्स। हमने फिर भी सैलरी नहीं मिली, फिर भी हमारे सभी कर्मचारी ने, सभी डॉक्टर्स ने, नर्सेज ने पूरा सहयोग किया पेशेंट्स को। सब लोग लॉकडाउन में अपने अपने घरों में थे, हम अपने घरों से निकल के आते थे, हमने कोरोना में इतना कहा। अब भी हमारे कर्मचारी कोरोना में, यहाँ RAT सेंटर खुला है उसमें अभी भी लगे हुए हैं। रखना पड़ता है कि आगे आने वाला समय, कि हमें रोटी तो खाते रहे, हमारे बच्चों का कोई फ्यूचर तो रहा नहीं, जब भेजना हमें किस पटरी पे था, चढ़ाना हमें उसे किस ट्रेन पे पड़ गया, तो ये सब हमें फाइनेंशियली क्राइसिस की वजह से ही करना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे पास तो कोई और उपाय बचता नहीं है, सिर्फ ये है कि अपनी दिनचर्या हमारी चलती रहे, रोजी रोटी चलती रहे, बस किसी तरह से हमारा गुजारा चलता है। ये हमें 6 साल हो गए इस तरह से झेलते हुए, आगे भी हमें कोई उम्मीद नज़र नहीं आती है। यहाँ बैठना हमें भी पसंद नहीं है, पेशेंट दुखी होते हैं, लेकिन हमारे पास कोई उपाय नहीं बचता। जब हम यहाँ थोड़े दिन बैठते हैं तब हमें 1 महीने की सैलरी मिलती है, जिससे 3 महीने आगे का घर फिर चलता है। इन समस्त कर्मचारियों को 6 साल से एरियर भी नहीं मिला है और 3 महीने से सैलरी ना मिलने की वजह से कर्मचारियों को घर चलाना मुश्किल हो गया है, लोगों से कर्ज लेकर घर चलाना पड़ रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से पैरामेडिकल स्टाफ के कर्मचारी हाथों में बैनर और तख्ती लेकर सांकेतिक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से अपील भी कर रहे हैं कि हमारी सैलरी जल्द से जल्द दी जाए। बाकी सारे MCD में सभी काम चल रहे हैं, सबकी पेमेंट हो रही है, लेकिन सैलरी नहीं मिली, जो कि सबसे ज़्यादा नीड है कर्मचारियों की, उसके बिना घर का गुजारा नहीं चलता किसी का। बाकी और ज़्यादा एरियर्स वगैरह वो तो बहुत सारे हैं, पेंडिंग हैं, गिनाने लगेंगे तो बहुत सारा लंबी लिस्ट बैठ जाएगी, जो कि 2014 से हमारे सारे पेंडिंग हैं। लेकिन बाकी काम कैसे चल रहे हैं MCD के, वहाँ का फंड कैसे आ रहा है वो हमें समझ में नहीं आता, सिर्फ सैलरी पे ही ये सारा सब झगड़ा है।
सर हमारी जब सैलरी नहीं आएगी तो हम घर का खर्चा कैसे मैनेज करेंगे, बच्चों की स्कूल की फीस आनी है अभी तो कैसे करेंगे, प्रिंसिपल लोग नहीं मान रहे हैं, वो कह रहे हैं या तो फाइन दो या फीस दो हमें। अभी घर पहुँचते डेली बच्चे कहने लगे सर सैलरी पापा सैलरी का क्या होगा, सैलरी कब तक आएगी सैलरी, तो अब तो बच्चों सबने हाथ खड़े कर दिए बीवी ने भी कि राशन के लिए पैसा नहीं है बिल्कुल भी, कहीं से भी करो हमें नहीं पता। इस प्रदर्शन में प्रेसिडेंट दिनेश गिरी, अतुल मुदगल, क्षमा शर्मा, ममता अरोड़ा, सतवीर भी मौजूद रहे। अब देखना होगा कि आखिर निगम प्रशासन इन कर्मचारियों की जायज मांगों को मानती है या फिर कर्मचारी यूं ही धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। प्रिंस सोलंकी, तेज निगाह, दिल्ली।